हाय फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे ढोकला। मैंने लिया है 1.5 कप, 1.5 कटोरी बेसन। अब आधी कटोरी दही लिया है, इसमें डालेंगे पानी। इतना ही पानी डालेंगे बेसन के बराबर। दही और पानी दोनों की मात्रा बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर हमने अच्छे से मिला लेंगे। मैंने आधी कटोरी पानी और डाला है। दोनों को हम 5 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में अच्छे से मिलाते रहेंगे। इसे हम दोनों तरफ नहीं घुमाएंगे, एक ही तरफ घुमाएंगे 5 मिनट के लिए। ऐसे घुमाते रहेंगे अच्छे से, जिससे हमारा ढोकला अच्छा बने, स्पंजी बने। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक। यहाँ पे नमक डाल दिया है। अब यहाँ पे डाला है थोड़ा सी हल्दी। हल्दी को थोड़ा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, जिससे अगर ज़्यादा पड़ जाएगी तो ढोकला लाल हो जाता है। यही तो मेहनत है यहाँ पर। फिर हम फेंटेंगे इसे 5 मिनट के लिए। अब देखिए यहाँ पर एकदम से पेस्ट अच्छा सा बनकर तैयार है। अब हम इसे रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, रेस्ट के लिए ढक कर रख देंगे। अब 15 मिनट हो चुके हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया है फिर से। अब इसे फिर से अच्छे से मिलाएंगे 5 मिनट के लिए। ऐसे ही चलाते रहेंगे एक ही डायरेक्शन में। बस इसमें ढोकले में ये इतनी मेहनत है। इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे बेकिंग सोडा। 5 मिनट फेंटने के बाद अब डाला है मैंने 1 पैकेट इनो का। इनो डालने के बाद हमें देरी नहीं करनी है, थोड़ा सा ही चलाना है। इसके बाद हमने एक बर्तन में थोड़ा सा तेल लगा के रखा है, जिससे ढोकला चिपके नहीं। और कढ़ाई में पानी को भी गर्म होने के लिए रख दिया है साइड में मैंने। यहाँ पर इनो डालने के बाद देरी नहीं करनी है, फटाफट से काम करना है। अब हम इसे ढक के पकने देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो जाएंगे, उसके बाद गैस को हम बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने फ्लेम को कर दिया है बंद। देखिए ढोकला बनकर हो चुका है रेडी। अब इसे ऐसे ही रहने देंगे, ठंडा होने देंगे, इसके बाद निकाल लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए ढोकला ठंडा हो चुका है, हम निकाल लेंगे। अब हमने यहाँ पे एक पैन रखा है उसके तड़के के लिए, उसमें डाला है तेल। अब तेल में हम डालेंगे थोड़ी सी काली वाली सरसों। यहाँ पर सरसों डाल दीजिए। इसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्च, धनिया कटा हुआ। अब ये भुनने देंगे। इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, इसे अच्छे से पकने देंगे। ये पक रहा है। इसके बाद हम डालेंगे नींबू, मैंने आधा कटा हुआ नींबू डाला है। अब थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। इसके बाद 1 चम्मच भर के चीनी डाली है। ये अच्छे से पक रहा है, ढोकले में जाएगा। ढोकला ठंडा होना चाहिए, तड़का गर्म होना चाहिए। ये आधा नींबू लिया है, इसे हम डाल देंगे इसी में। ये अच्छे से पक रहा है धीरे धीरे आँच पे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पे देखिए ढोकला काट दिया है। आपको काटने से ही पता चल रहा होगा कितना स्पंजी है। काटने से भी टूट रहा है, एकदम मार्केट जैसा सॉफ्ट बना है। ना मैंने यहाँ पर कोई मतलब मार्केट की कोई चीज़ नहीं ली है। एकदम से देखिए यहाँ पे तड़का गरम गरम है, बाजार जैसा सॉफ्ट बना है एकदम से। आप भी खाइएगा और इन्जॉय करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा बना कैसा नहीं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है देखने से ही। ऐसे ही आप कमेंट करके बताइएगा, मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लाते रहेंगे और मिलते रहेंगे नई नई वीडियो के साथ। देखिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।